हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी यजू हब ऑनलाइन क्लासेज, क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी, चैप्टर 25 एक्सरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और इसमें टॉपिक है मानव के अन्य उत्सर्जी अंग। मुख्य उत्सर्जी जो अंग है वृक्क, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो जो थी उनके अंदर पढ़ लिया है। वृक्क के अतिरिक्त कुछ अन्य उत्सर्जी अंग हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आती है स्किन, त्वचा। स्किन जो होती है, त्वचा जो है, इसके अंदर श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है जो कि त्वचा में उपस्थित जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन पदार्थों को पसीने के रूप में शरीर से बाहर करती है। सेकंड जो आता है इसमें वो फेफड़े, ये हमने पढ़ भी लिया है पीछे। फेफड़े जो होते हैं, इनके द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है, जिसमें शरीर के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बनने वाली जो CO2 होती है वो ब्लड के माध्यम से फेफड़ों में आती है या लंग्स में आती है, और लंग्स के माध्यम से इनको CO2 को एनवायरनमेंट में बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। थर्ड, इसके अंदर जो पॉइंट है वो यकृत, लीवर, यकृत है। इसके बारे में हमने पहले एक पॉइंट पढ़ा है कि यकृत जो है वो यूरिया का निर्माण करता है, यानी कि यकृत जो है इसके अंदर एमिनो अम्ल होते हैं। एमिनो अम्ल जो होते हैं, इनमें जब नाइट्रोजनी पदार्थ इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये बदलते हैं अमोनिया में। यकृत इस अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ में चेंज करती है, यूरिया बोलते हैं। तो वृक्क जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में, मानव के शरीर के अंदर कुछ अन्य अंग भी पाए जाते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं, जिसमें तीन हैं, त्वचा, फेफड़े और यकृत। त्वचा में पसीने के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर, जिसमें श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, श्वेत ग्लैंड्स। फेफड़े जो कि श्वसन की क्रिया के दौरान प्रत्येक कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा CO2 का निर्माण जो होता है उसको लंग्स के माध्यम से बाहर करती है। यकृत एमिनो अम्लों से बनने वाली अमोनिया जो कि हानिकारक होती है, वह हानिकारक पदार्थ को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में चेंज करता है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर का जो ये लास्ट पॉइंट था, इसके बाद में सिर्फ इसके जो उत्सर्जन से संबंधित जो रोग हैं वो टॉपिक आगे नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे। धन्यवाद।